नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेक ड्रॉइड हिंदी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सीक्रेट ट्रिक या कह लीजिए सीक्रेट लॉकर के बारे में बताऊंगा, जिसे कि अगर आप यूज़ कर लेते हो तो उससे आप काफ़ी कुछ हद तक अपने सीक्रेट फ़ोटो, प्राइवेट फ़ोटो और वीडियोस को सेव कर पाएंगे जो आपके फाइल हैं प्राइवेट वाले। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और यूजफुल होने वाली है। और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और इस वीडियो को शेयर कर दें व्हाट्सएप में, ग्रुप में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान पाए। और नीचे आपको कमेंट कर देनी है बेस्ट ट्रिक या बेस्ट लॉकर कमेंट कर दें। तो यार देखो, आपको लॉक करने के लिए आप लॉकर का बहुत सारा यूज़ करते होंगे, बट इसमें आपको बस एक डाउनलोड करना है एप्लीकेशन जिसका कि नाम है ऑडियो मैनेजर। ऑडियो मैनेजर डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर तो वॉल्यूम कम ज़्यादा करने का है, तो यहाँ पे कैसे लॉक लगेगा? तो जब आप ऑडियो जो लिखा हुआ था उस पर जब आप कुछ सेकेंड के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे, 2 सेकेंड के लिए, तो आपको लॉक सेट करने के लिए आ जाएगा। जैसे कि मैं अभी लॉक सेट कर रहा हूँ, लॉक सेट करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर में आप कोई भी सवाल का जवाब दे सकते हो, ताकि आपका ये जब फॉरगेट हो जाए लॉक तो आप उस टाइम इजीली तरीके से रिकवर कर सकते हो। बस यहाँ से स्किप करते हैं, ये सब हो गया, ये छोटी छोटी सेटिंग है। और ये कर देने के बाद अब देखिए इसके अंदर यहाँ पे लॉकर है, वॉल्ट है, ये देख सकते हैं। जैसे इमेज मुझे हाइड करना है तो इमेज, कॉन्टैक्ट, वीडियो, म्यूजिक, मैं जो चाहूँ हाइड करना यहाँ पर मैं छुपा के रख सकता हूँ। और ये देख सकते हैं, जैसे कि मुझे भी हाइड करना था कुछ फ़ोटो, तो मैंने एक नया फोल्डर बना लिया ताकि मुझे सुविधा हो हाइड करने में या फिर उसे निकालने में। फिर तो मैंने एक फोल्डर बना लिया माई सीक्रेट फोटो। उसके बाद ये देखिए फोल्डर बन गया, लेकिन इसके अंदर फाइल नहीं है। इसके अंदर जाएंगे तो आपको प्लस का एक साइन दिखेगा, तो सिंबल पे उस पर क्लिक करके फोटो सिलेक्ट कर लेना है, जो आपका सीक्रेट फोटो है उसे आपने सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने सभी को सिलेक्ट कर दिया, बट मुझे 2 ही चाहिए सिलेक्शन, तो अच्छे से सिलेक्ट करें। ये देखिए मैंने अनसेलेक्ट कर दिया, और ये देखिए तो मेरा 2 फोटो जो सिलेक्टेड है। तो उसके बाद यहाँ पे लॉक ऊपर में रहता है, तो मैंने लॉक पे क्लिक कर दिया, लॉक बटन पे, और ये देख सकते हैं ये जो मैं सीक्रेट फोटो का फोल्डर बनाया था उसके अंदर ये सारे फाइल आ चुके हैं। तो यहाँ पर अपना 20 फोटो, 50 फोटो, 100 फोटो, जितना भी आपको आपका सीक्रेट है उसे यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। वीडियो हाइड करना है तो वीडियो वाले सेक्शन में जाके आप हाइड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से बाहर चलते हैं, ठीक है, हम बाहर आ गए लॉक करके। तो अब उसे फिर से कोई अगर ओपन करता है और उसे ओपन करने की कोशिश भी करेगा तो उसको तो यहाँ पर डायरेक्ट लॉकर आएगा नहीं, और लॉकर आ भी जाएगा उस पर क्लिक करने के बाद तो ये देखिए गलत पासवर्ड डालेंगे तो वो तो ओपन नहीं होगा। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से सिक्योरिटी मिल जाती है, बहुत इतना लेवल तक तो कोई आ ही नहीं पाएगा अंदर तक। लोग सोचेगा कि ऑडियो मैनेजर एप्लीकेशन है तो वो तो ऑडियो वाला काम होगा, बट यहाँ पर आप लॉकर वाला काम कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, और इसे आप अनइंस्टॉल कर देंगे एप्लीकेशन को, फिर से इंस्टॉल करेंगे तो आपका डाटा उड़ जाएगा, इसलिए अनइंस्टॉल मत कीजिएगा जब आप लॉक करेंगे। इसलिए अपने फ़ोटो को अनहाइड करने के लिए, ये देखिए ऊपर में सिलेक्ट करके मैंने अनहाइड कर दिया, और बस ये जो फ़ोटो हमारा लॉक था वो अनलॉक हो गया, और अब हम उस फोटो को गैलरी में कहीं भी देख सकते हैं अच्छे तरीके से। और ये मुझे काफ़ी अच्छा ऐप लगा कि यार ऑडियो मैनेजर नाम है और उसके अंदर इतना सारे फीचर हैं, तो आई थिंक आप सबको ट्राई करने चाहिए। इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कर दें और भी लोगों के साथ। मैं आपसे मिलूँगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।